इधर बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा कि कल पिछले कई सालों के तापमान का रिकॉर्ड टूटने वाला है, कल का तापमान होगा 400 पार। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार बयान पर बयान आ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बयान तो ये कि 400 पार, 450 पहुंचेगा, फिर एक के मसीहाई व्यक्तित्व है, और अब राधिका खेड़ा भी कह रही हैं, ताजा ताजा जो बीजेपी नेता बनी है, कि कल का तापमान 400 पार होगा। शैलेंद्र ललित, बिल्कुल ललित, देखिए 24 घंटे का अब समय रह गया है कि जब नतीजे ईवीएम से सामने आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरीके से कल सुबह 8 बजे गिनती शुरू होगी और 12 बजे तक रुझान और 2 बजे तक जो है वो नतीजे अब सामने आने शुरू हो जाएंगे, कि उसके पहले जो है वो बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, अपने अपने दावे कर रहे हैं, एक संख्या जो है वो दे रहे हैं। जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने कहा कि 295, उसके बाद उमा भारती अब ये कह रही है कि 450 पार, यानी जो बीजेपी का जो नारा है उससे भी 50 अधिक सीटें देने की वो बात कर रही है। कह रही है कि जनता का विश्वास जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, उन्होंने जो काम किए साधु संतों का आशीर्वाद है, और यही कारण है कि बीजेपी 450 पार से अधिक सीटें जीतने जा रही है। और दूसरी तरफ जिनका आपने जिक्र किया, राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की नेता थी, हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, और अब वो ये कह रही हैं कि जिस तरीके से टेम्परेचर का, चूंकि लगातार मध्य प्रदेश हो या देश भर में लगातार जिस तरीके से बात हो रही है कि कभी 47 डिग्री पहुंच रहा है, कभी 48 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, और यही कारण है कि वो इन्हीं सबको कोरिलेट करते हुए ये कह रही है कि कल का तापमान 400 के पार होगा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी कल 400 से अधिक सीटें जीतने जा रही है। हालांकि किसके दावों में कितना दम है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार सभी लोगों को और करना है। हालांकि एग्जिट पोल जो आए हैं वो सबके सब एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जो है वो जीतने जा रहे हैं, और बीजेपी जो है वो 400 के आसपास सीटें जीतने जा रही है। तो तमाम जो दावे हैं और जो वो दावे और दावों पर प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार अभी जारी है। जी नरेंद्र, ये भी अच्छी बात है कि कल से कुछ एक जगहों पर आंधी और बारिश का अलर्ट भी है, मतलब आंधी भी चलेगी, बारिश भी हो सकती है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहेगा, पंकज चतुर्वेदी साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लिया जाए। पंकज जी, उमा भारती 450 की बात वो कर रही है, और राधिका खेड़ा, उनका कहना है कि कल का तापमान 400 पार रहेगा। इन सबके बीच एक और बड़ी बात जो उमा भारती जी ने कही, मसीहाई व्यक्तित्व है मोदी जी। पंकज जी, देखिए मुझे लगता है कि उमा दीदी ने जो कहा ललित जी, वो सब प्रतिष्ठित, मेरी आवाज आ रही ललित जी? जी जी जी, प्लीज। जो उमा दीदी ने कहा वो सब शत प्रतिशत सत्य है, और निश्चित तौर पर जैसा आपका पूर्वानुमान है आंधी और बारिश का, तो कल जनता के आशीर्वाद रूपी बारिश और सीटों की आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलेगी जनता की कृपा से और मोदी जी की गारंटी के आधार पर। और जिस प्रकार का सेवा काल नरेंद्र मोदी जी का पिछले 10 साल का रहा, वो निश्चित तौर पर देश में तीसरी बार नेहरू जी के बाद ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित तो करेंगे, पर नेहरू जी के वोट कम हुए हर बार, पहली बार, दूसरी बार कम, दूसरी तीसरी बार कम, पर भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी 282-303 और अब की बार 400 पार। तो 450 का जो आंकड़ा उमा दीदी ने कहा, निश्चित तौर पर जनता की कृपा बनी रही तो हम स्पर्श करेंगे और एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। रोशनी यादव हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी एक रिएक्शन ले लिया जाए। रोशनी जी, उमा भारती का बयान आया है 450 सीट का, मसीहाई व्यक्तित्व भी उन्होंने मोदी जी को बताया है। राधिका खेड़ा कह रही है कि 400 पार कल का तापमान रहने वाला है, आपका रिएक्शन? ये तो मुझे लगता है कि जोकर जैसा और अज्ञानियों जैसा बयान है। जहां भारतीय जनता पार्टी 450 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रही, तो ये झूठे और पाखंड वाले ढोंग वाले आंकड़े रखने का क्या अर्थ है? और देश की जनता को मूर्ख बनाना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से सीखा जा सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी दिल्ली में भी 52 डिग्री सेल्सियस का तापमान है,
तो मुझे लग रहा है पारा भारतीय जनता पार्टी का भी चढ़ा हुआ है, इसलिए शायद यह अनाप शनाप जो है बयान इनके द्वारा दिए जा रहे हैं। जी जी, रोशनी जी प्लीज बने रहेगा। पंकज जी प्लीज। देखिए ललित जी, अज्ञानी, जोकर, मूर्ख, ये राहुल गांधी की बुद्धिवट्टी से निकले शब्द हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी 428 सीटों पर लड़ रही है और एनडीए 543 पर लड़ रहा है, और ये जो 450 का आंकड़ा है ये बीजेपी प्लस एनडीए का आंकड़ा है। यदि कांग्रेस के लोग थोड़ा सा जानकारी लेकर आते तो कम से कम इन शब्दों का प्रयोग देश की जनता के लिए नहीं करते, न प्रतिपक्ष भी करते, हम तो सबका आदर करते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि तापमान बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की गर्मी जनता के कारण उतार दी है, तो इसलिए इस प्रकार की शाब्दिक मर्यादा का उल्लंघन जरूर हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कल का समय और शेष है लगभग 24 घंटे। कल हम इसी समय जब बात करेंगे कांग्रेस के मित्रों से, लोगों को दोष देंगे ईवीएम को, प्रशासन के दुरुपयोग को, हमको विश्वास नहीं हो रहा कि कैसे मत मिले जैसा विधानसभा चुनाव में करते हैं। और हमको सबको सहानुभूति तब रखनी पड़ेगी कांग्रेस के मित्रों से कि इतनी सिंपैथी तो बनेगी। इसलिए आज जो जनता को मूर्ख और प्रतिपक्ष को अज्ञानी जोकर कह रहे हैं, उनको जोकर का जनता जनार्दन बनाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोशनी जी को थोड़ी देरी हो गई थी, रोशनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी धन्यवाद, शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने रहे उनका भी धन्यवाद। ये क्विक रिएक्शन हमने लिया दो बड़े बयानों को लेकर। और अब तेज रफ्तार खबरें, काउंटिंग से पहले चुनाव